أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह निसा की, मीरास की आयत है ये। मतलब जो शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसकी जायदाद में किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, इसकी तफसील अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें बयान फरमाई है तफसील के साथ। और इस सिलसिले में हम लोगों के मुआशरे में बड़ी कमी और कोताही है। बस ये समझा जाता है कि इसके बेटे की मीरास हो जाती है और बेटों में भी जो हावी हो जाता है वो कब्जा कर लेता है। ये ख्याल गलत है। जैसे नमाज का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने और दीगर अहकाम भी दिए हैं, वो फराइज हैं। अल्लाह ताला ने इसके बारे में भी फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन युतअल्लाह व रसूलह युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअनहार खालिदीन फिहा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसको जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। وذلك الفوز العظيم और ये बड़ी कामयाबी है। ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उनकी हदों से, अल्लाह ताला की हदों से तजावुज करेगा, हद मुकरर कर दी है कि इसको इतना मिलना चाहिए, इसको हद कहा है, अगर उसमें किसी ने कम ज्यादती की तो फरमाया अल्लाह उसको जहन्नम में पहुंचा देगा, खालिदन फिहा, इसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। हमेशा हमेशा रहना तो कुफ्र के लिए है। तो गोया कि अल्लाह ताला कह रहा है कि या तो मोमिन है या काफिर है, अल्लाह की हद को कौन नहीं मानेगा जो काफिर होगा। तो बड़ी वईद आई है। फिर ये एक बीच का रास्ता हम लोगों ने अपना लिया है कि ईमान भी रखते हैं और अल्लाह की हदों को भी इख्तियार नहीं करते। इन लोगों के लिए ये आया है हदीस में कि ईमान वाले जहन्नम से एक ना एक दिन निकाल लिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल अगर मोमिन है तो अल्लाह की हदों को समझना चाहिए हमें। क्या फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, गौर से सुन लीजिए चंद बातें हैं
बस वो आपके जहन में रहना चाहिए, कम से कम जहन में रहना चाहिए, और फिर और पूछ लेंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के सिलसिले में। लफ्ज जो आया ना, ये नहीं आया हुक्म करता है, यामुरु नहीं आया, यूसीकुम। वसीयत आखिरी दर्जे के हुक्म को कहते हैं। जैसे मरने वाला होता है वो अपने बेटों को समझा के जाता है कि तो बेटो ऐसा करना, उसको कहते हैं वसीयत। जो इंतहाई फिक्रमंदी के साथ नसीहत की जाती है कि इस पर अमल करना जरूरी है, उसको वसीयत कहते हैं। अल्लाह वसीयत करता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्रिल उन्सयैन, कि मरने वाले के कुछ बेटियां हैं, कुछ बेटे हैं, तो बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर। मिसाल के तौर पर एक बेटा है दो बेटी है, या दो बेटे हैं दो बेटियां हैं, तो बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर। अब कैसे होगा, अगर एक बेटा दो बेटियां हैं तो हम चार हिस्सों में तकसीम करेंगे माल को, सिर्फ यही है तो, और कोई दूसरा वारिस नहीं है, वरना दूसरे वारिस भी होंगे तब अलग मसला होगा। तो एक बेटा है दो बेटियां हैं, 1 लाख रुपया है मरने वाले का, तो हम उसको चार हिस्सों में मुकरर करेंगे। बेटियों को एक एक हिस्सा दे देंगे, यानी 25-25 हज़ार, और बेटे को दो हिस्से, यानी 2 बार 25 हज़ार, यानी 50 हज़ार उसके हो जाएंगे। तो ऐसे हम वो उसी एतबार से करते चले जाएंगे, यानी लड़के को डबल मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ देते ही नहीं, बेटी को नहीं देते हैं, यानी भाई खा जाता है सब। अब इसमें ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, या बालिग है ना बालिग है, यह बहस नहीं है। बस जिंदा होना उनका काफी है। वो ससुराल में चली गई हैं तब भी बाप की जायदाद, जो बाप ने कमाई थी वो, भाई ने जो अपनी पर्सनल कमाई है वो तो उसकी है, जो बाप की अपनी जागीर थी उसमें तो चाहे ससुराल में हो चाहे वो अभी 1 साल की हो, उसका भी इतना ही हिस्सा है। वो ससुराल में चली गई उसका भी इतना ही हिस्सा है। और ये कहना है कि वो जहेज में ले गई है, ये गलत है, ये तो करेला नीम चढ़ा हो गया। जहेज की रस्म ही एक हमने इख्तियार कर ली है, फिर उसकी वजह से हम एक अल्लाह के फरीजे को ठुकरा देते हैं, ये गलत है। फइनकुन्ना निसाअन फौकसनतैन, अगर मरने वाले के सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, दो या दो से ज्यादा बेटे नहीं है, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनको उसके तरके में से दो सुलुस मिलेगा। दो से बेटियां, दो से ज्यादा है, दो सुलुस, सुलुस का मतलब तिहाई हिस्सा, दो मरतबा तिहाई हिस्सा। वो दो में तीन है तो तीन में, चार है तो चार में, पांच है तो पांच में, बराबर तकसीम हो जाएगा। बेटियां ही बेटियां है ना, दो सुलुस का मतलब क्या हुआ, दो तिहाई का मतलब हुआ एक माल के तीन हिस्से कीजिए, यानी 1 लाख है तो 33.33 के तीन हिस्से बनेंगे, तो ये 66.66 ये बनेगा है, मतलब तकरीबन यानी 66,500 67,000 के करीब ये होगा। अब दो बेटियां हैं तो दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा, तीन है तो ये तीनों में बराबर तकसीम हो जाएगा, चार है तो चारों में बराबर तकसीम हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो किसका रहेगा, भाई तो है नहीं क्योंकि यहाँ बताया जाए सिर्फ बेटियां में, बाकी फिर असबा को मिलेगा, यानी अगर मरने वाले का चचा है भाई है तो भाई को मिल जाएगा सबसे पहले तो, और अगर भाई नहीं है तो चचा को मिल जाएगा, उसमें अकरब को मिलता है, भाई है चचा भी है तो चचा को नहीं मिलेगा, भाई को मिलेगा, भाई नहीं है तो फिर चचा को मिलेगा। वह इनकानत वाहिदतन फलहन्निस, और अगर सिर्फ एक बेटी है, ये तो दो बेटियों या दो से ज्यादा में ये बात थी दो सुलुस की, और सिर्फ एक बेटी है तो आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 50,000 1 लाख में से, बाकी 50,000 वास्बा में, यानी ये तो उसके भाई को, भाई नहीं है तो चचा को, अगर दो भाई हैं तो बराबर तकसीम हो जाएगा दोनों भाइयों में जो है। वली अब वही ही लिकुल वाहिद, बाप है तो बाप की मौजूदगी में भाई को नहीं मिलेगा, उसके बाप है तो बाप को मिल जाएगा,
जो करीबी होता है मर्द रिश्तेदार जो करीबी उसको हस्बा कहते हैं। तो बेटी को आधा मिल गया या दो बेटियां थी तो दो सुलुस मिल गया, फिर बाकी जो बचा तो बाप है तो बाप को मिल जाएगा, फिर भाइयों को नहीं मिलेगा। बाप मौजूद और बाप मौजूद नहीं है भाई मौजूद है तो भाइयों को मिल जाएगा, चचा को नहीं मिलेगा। लेकिन बाप भी नहीं है भाई भी नहीं है चचा है तो चचा को मिल जाएगा, सब चचाओं बराबर ऐसे होता है। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहु वलद, और वालिदैन मौजूद हैं तो दोनों को माँ बाप माँ को भी और बाप को भी वो छठा छठा हिस्सा मिलेगा, जबकि बच्चे भी हैं और माँ बाप भी, बच्चे भी हैं माँ बाप भी हैं तो माँ बाप का भी हिस्सा है। यानी पहले माँ बाप को छठा छठा हिस्सा दे दिया जाएगा, तो छठा हिस्से का मतलब क्या हुआ, यानी 33,000 के आप आधा कर लीजिए, इसको छह हिस्सों में बांटिए, मतलब 1,00,000 को छह हिस्सों में बांटिए तो 17×34 तो 16 पॉइंट कुछ होगा, तो ये छठा हिस्सा कहलाया, 16,000 रुपये और कुछ 100 रुपये। तो ये जो है 16,000 कुछ रुपये ये बाप को और 16,000 कुछ माँ को, फिर जो बचा वो औलाद में तकसीम होगा। अगर कुछ मर्द औलाद है कुछ और यानी नर है बेटा बेटी है तो बेटे को डबल और बेटी को सिंगल, और बेटे ही बेटे हैं तो सबको बराबर, तो इस तरीके से मिलेगा। इनका ना लहू वलद फइल्लम यकुल लहू वलद वरिथहु अबवाहु फलियुम्मिहि सुलुस, अगर औलाद नहीं है सिर्फ माँ बाप ही है, सिर्फ माँ बाप ही है औलाद नहीं है तो फलियुम्मिहि सुलुस, माँ को तिहाई और बाप को दो तिहाई, क्योंकि मर्द का डबल है ना, वो यहां भी वो काम करेगा। औलाद नहीं है सिर्फ माँ बाप है तो माँ को तिहाई 33,000 और 33 पॉइंट, और बाप को 66.66 तो डबल हो जाएगा, माँ का सिंगल बाप का डबल अगर औलाद नहीं है। पर इनका न लहू इख्वतुन, अगर माँ है बाप नहीं है, माँ है और भाई है उसके मरने वाले के, तो फिर पहले उनमें ही सुदुस तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा वही 17 पॉइंट कुछ और 16 पॉइंट कुछ, और उसको फिर भाइयों में तकसीम हो जाएगा, बाकी भाइयों में तकसीम हो जाएगा बराबर बराबर। वसीयत को पूरा करने के बाद, वसीयत करके जाएगा, वसीयत मैयत उसको पूरा किया, वसीयत लेकिन तिहाई में कर सकता है, मरने वाला अपने माल में एक तिहाई का मालिक है कि 33.33 में वो कह सकता है कि मेरे मदरसे में दे देना, फिर बाकी में मीरास तकसीम होगी, बाकी को कुल माना जाएगा, और अगर वसीयत नहीं की तो सब बढ़ जाएगा, और इससे ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। अगर उसने कह दिया आधा माल मेरा मदरसे में दे देना, गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि वरासा कहा, सिर्फ एक तिहाई में वो मीरा वो वसीयत कर सकता। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक्रबु लकुम नफ़अ, बाप और बेटे तुम्हें नहीं मालूम कौन ज्यादा काम के हैं, अल्लाह ने सबका हिस्सा मुकर्रर किया है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़ करके जाए तो शोहर को मिलेगा आधा। बीवी मरी है, शोहर मौजूद है और बीवी के बच्चे भी मौजूद हैं। अगर बीवी के बच्चे क्यों कहा था, वो तो हमारे भी बच्चे होंगे, जरूरी नहीं है, बीवी का पहले निकाह दूसरे से हुआ था उससे औलाद थी, आपसे औलाद नहीं है, दूसरे शोहर से पहले निकाह हुआ था उससे औलाद है, तो वो भी तो उसकी औलाद है, तो इसलिए नहीं कहा तुम्हारे औलाद हो, बल्कि कहा बीवी के औलाद है, अभी हमारे निकाह में थी जब मरते वक्त, तो हम शोहर हैं और उसकी औलाद भी है तो आधा शोहर को मिलेगा। अलकुम निस्फु मा तरका अज़वाज इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर औलाद नहीं है तो आधा मिलेगा, और औलाद है फइन काना लहुन्ना वलदुन फलकुम रुबु, औलाद मौजूद है तो चौथाई मिलेगा, अगर औलाद नहीं है बीवी के तो 50,000, और बीवी के औलाद है तो शोहर को 25,000 और बाकी 75,000 वो उसके बच्चों में जाएगा, उसके शोहर के बच्चे, के चाहे वो इस शोहर से हो चाहे वो बीवी के दूसरे शोहर से बच्चे हो, सारे उसी के बच्चे होंगे, दोनों चाहे इस शोहर से कुछ बच्चे हैं कुछ उस शोहर से बच्चे हैं तो उसके लिए तो बराबर है, तो वो सब में तकसीम हो जाएगा, उसके बच्चों में मर्द को चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं है तो फिर
मर्द को आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर शोहर मरे और बीवी बचे तो इसका और आधा हो जाएगा। मतलब अगर मर्द के औलाद है, अब मर्द के औलाद है चाहे उस बीवी से हो चाहे दूसरी बीवियों से हो, तो अगर मर्द के पास औलाद है तो फिर उसको चौथाई, और नहीं नहीं मर्द के पास औलाद औलाद है तो आठवां हिस्सा, आठवां हिस्सा आधा हो जाएगा, और औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा, और बीवी अगर मरती है तो शोहर को इसका डबल मिल जाता है, यानी औलाद होने की सूरत में चौथाई और ना होने की सूरत में आधा, और अगर शोहर मरता है बीवी मरती है तो शोहर को डबल, और अगर शोहर मरता है तो बीवी को उससे भी आधा हो जाता है। औलाद होने की सूरत में आठवां हिस्सा और औलाद न होने की सूरत में चौथा हिस्सा, ये मर्द यानी मर्द का डबल है और औरत का सिंगल है, गोया कि यहां भी वो काम करता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहरहाल मीरास के ये मसाइल बताए हैं जिन पर अमल करना जरूरी है, कि फिर पूरे मसले बताते हैं कि सब मरने वाले के ये उसके शोहर है, बाप भी है, बीवी भी है, और माँ भी है, बेटे भी हैं, तो वो फिर पूरा मसला बनाया जाता है कि इसको इतना मिलेगा इसको इतना मिलेगा। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सबका हिस्सा इसमें मौजूद है और सबको देना चाहिए। कुरान ने इंसाफ की बात कही है और कहा है कि बाप और बेटे और बीवियाँ ये सब रिश्तेदार हैं, इनका हक बनता है, कोई किसी पर ज्यादती करेगा। अक्सर व बेशतर तो ऐसा होता है कि चचा खा जाता है, मरने वाले का भाई है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो भाई सब खा जाता है, वो यतीम बच्चे महरूम रह जाते हैं। कुरान ने उसके बारे में कहा है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, जो यतीम का माल खा रहे हैं, यतीम को ही वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये भाई तो बड़े बड़े हैं तो भाइयों ने सब कब्जा कर लिया, हालांकि इनका कोई हिस्सा नहीं भाइयों का, क्योंकि जब बच्चे मौजूद हैं तो भाइयों का कोई हिस्सा नहीं बच्चे मौजूद होने की सूरत में, जब उसके बच्चे नहीं होंगे तो फिर बाप को मिलेगा, बाप भी मौजूद नहीं होगा तब भाई को मिलेगा। तो जो भाई अपने मरने वाले भाई का माल खा जाते हैं और उसके बच्चों को नहीं देते हैं, या कुलून अमवाला लियता में यतीम का माल खा जाते हैं, जुल्मन इनमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो आग खा रहे हैं अपने पेट में, सयसलून सईरा, वो आग में जाएंगे। तो इन मसाइल को हमें समझना चाहिए और उसके मुताबिक मीरास बांटना, एक एक पाई का हिसाब लगाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी व अला आलिहि व सहाबीहि अजमाईन। छुट्टियां चल रही तरह।